किसान भाइयों, बिजली तंग कर रही है, कभी भाग रही है कभी आ रही है। गर्मियों में ये हाल होता है। अभी अभी भाग गई थी फिर आ गई, भाई नहीं चल पा रही किसानों की। ये मक्का निकाल लिया चारा हमने, अब तो इसमें घास बहुत खड़ी है, लेकिन ये 80-90 कुंटल पर जाएगा पौधा। अभी इसे देख के कहना बेकार है, जिस तरह का जमाव है इस तरह ये बढ़िया होगा करना। उधर पिड्डी खड़ी है, वो भी छोड़ दी है, इधर भी पिड्डी खड़ी है हमारी, इसकी कॉपी छोड़ दी है हमने। ये सामने पिड्डी है, ये तसला विधि है, इस टाइम घास जोर लगा रही है, ये भी अच्छी हो जाएगी लास्ट में। जिस दिन ये बोई थी मैं 2-4 दिन बाद ही यह स्वस्थ हो गया था, इसमें भी देखभाल नहीं हो पाई, लेकिन इसे हम कर लेंगे लास्ट। आज पानी क्या बबलू है, सोका मान ली थी। भाइयों, घबराना नहीं चाहिए किसान को, ये नहीं सोचना चाहिए हमारे खेत में घास ज़्यादा है तो ईंख नहीं होने की, ऐसी बात नहीं है। घास की लंबाई मुश्किल से 1 फुट होती है, वो मुड़ जाती है, फिर सूखने लगती है। मोथा भी 1 फुट से ऊपर नहीं होता। अगर आप खाद डाल रहे हैं ईख में तो खाद डालिए, बेफिक्र होगे, क्योंकि मोथा मुश्किल से 1 फुट बढ़ता है, फिर ऊपर बाल जाती है, फिर वो पक जाता है। गन्ना ही होगा जो 10 फुट बढ़ने वाली चीज़ ही होगी, छोटी मोटी पैदावार जो है नष्ट हो जाती है फसलें, इसलिए घास से नहीं घबराना चाहिए। ये हमने इसमें खीरे बो दिए थे, इसमें हमारा बटाईदार मन रहा है खुरपी निकालने के लिए। तुम सारे में काटनी पड़ेगी खुरपी तो इसमें, हाँ काट दो क्या। ये घिया बो दिए हमने, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी बो दे देनी चाहिए किसान को, बाजार की सब्जी हानिकारक होती है। ये हमारी जो भी गन्ना है, 2 खुट वो एक खाली छोड़ दिया, इसमें बालकों ने बताया, हमने पिछले साल एक खेत बोया था कि इस तरीके से गन्ने की पैदावार अच्छी हुई, गन्ना मोटा भी हुआ, इसलिए ये विधि हमने अपनाई। ये 4.5 फुट का है बबलू, कितने इंच पे ये हमारा 40-42 इंच पे बो रखा हमने। पापा जी, इसमें सभी किसान भाइयों को ये बता दो, इसमें इस बार खुदाई नहीं करवाने के, और वो तो अंश ने थोड़ी सी कर दी, इसमें जो है एक दवाई आई है बहुत बढ़िया, रोका दवाई करवाऊंगे, और उसके साथ में जो है थोड़ी सी 20 ml पर टंकी के हिसाब से लगा देंगे 240 जूरा के नाम से, तो इसमें ऐसी पट खेत में कर देंगे उसे, और फिर 3-4 दिन बाद उसे पानी लगा देंगे। बहुत बढ़िया, तो उससे जो है ये जो मोथा है ना, आप देखो जैसे खेत बिल्कुल साफ है, लाओ मुझे दिखा दो, सभी किसान भाइयों को मैं दिखा दूं, ये ईंख देखो कितना सुंदर जम रहा है, और खेत जो है भाइयों बिल्कुल साफ पड़ा है, ज़्यादा इसमें कोई कीट नहीं, खरपतवार है नहीं, और यहाँ देखो ये बस मोथा ही है, ये देख सकते हैं मोथा ही जमता है भाइयों, और मोथा उस खेत में जमता है जिसमें दम होता है। तो हम जो है इसमें ये दवाई करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 700 रुपये रेट कर दिया खुदैयाओं ने, 600 और 700 बता रहे हैं, तो उनका क्या फ़ायदा, वो अगली मट्टी पिछली पर रख दें और कोई मज़ेदारी नहीं मतलब उसकी। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा काम करेंगे जो मतलब किसान भाइयों को भी उसका फ़ायदा मिले, और 3-4 दिन बाद में इसमें पानी दे देंगे। भाइयों देखो ये कितना ज़बरदस्त जम रहा है, और ये हमने 2 खुट बो के एक छोड़ दिया था, फिर 2 बो दिए थे, एक धोरे से बहुत ही अच्छा ब्यांत है इसमें, और ज़्यादा कितना भी इसे पानी नहीं देने के, अभी मतलब 5 दिन अभी इसे और सुखा देंगे। हम ये चाह रहे हैं जो यो एक ही पानी पे मतलब तैयार हो जाए, और अगले पानी पे इसमें मट्टी चढ़ा दें, ये देख लो। हाँ जी क्या कह रहे, 12 तो चल रहा है उसमें, इसमें किसान भाइयों जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा ट्रंच का है 60 इंच वाला, इसमें हमने एक कक ठेकेदार के साथ में मेहनत करवा के एक कक पोगा छुटवा दिया था, और ईंख जो है हमारा काफ़ी ठाढ़ा हो रहा है। ये मैं अंदर को दिखा दूँ, मेरे से जो है ज़्यादा हाइट ले रहा है ईंख, ये देख लो आप,
और पोवे पोवे तो देख लो काफ़ी हैं, एक दोहरे से गन्ना ही गन्ना है इसमें। ये देख लो भाइयों, ये देख सकते हैं अभी तो काफ़ी ब्याज चल रहा है, ये नीचे तक का भी ब्याज जो है ऊपर जाएगा। हमने भाइयों इसमें जो है आधा कट्टा तो रामबाण मतलब 20-25 किलो दो बीघे में, और 10 किलो इसमें यूरिया, और एक पैकेट था मतलब एक पैकेट से कुछ कम था खुला हुआ, वो गिर दिया फटेरा। और इसमें बस अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, वैसे हम इसमें कोराजन सोच रहे थे दोस्तों, लेकिन अचानक जो है इतनी गर्मी पड़ेगी कि कोराजन हो नहीं पा रही, तो फिर हमने इसमें फटेरा डाल दिया। ये देख लो आप कुछ दाने यहाँ पड़े, अभी पत्ती पर आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे, जैसे जैसे पानी आता रहेगा ये पिघलता रहेगा, चलती रहेगी ईंक, ईंक मतलब काफ़ी बढ़िया हो रही है जैसा पोगे छोड़ दे। ये देख लो हमें ऐसा लग रहा है ये मतलब शुरू, मतलब हमारे क्षेत्र में इधर तो सबसे पहले यही बंधेंगे, अगर मान लो हम कटवा देते जैसे ईंक हमारी लेट गई है तो ईंक मतलब इतना अच्छा गन्ना हो नहीं पाता इसमें दोबारा से। और ट्रंच में जो है नुकसान रहता क्योंकि इसमें रेटून मैनेजर वगैरह कई सामान चलते, छोटा उपकरण है नहीं, तो इसलिए हमने पोगा छोड़ गया, एक प्रयोग करके देखा और मुझे लग रहा है हमारा प्रयोग जो है 100% कामयाब होगा। अब मैं भाइयों आपको अगला खेत दिखा दूं, चलें जी अगला खेत। भाइयों भैया ने जो है नियार काट लिया। अंश हेलो, हेलो बाबा जी भी चलने के लिए तैयार हैं घर, अभी चलेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। दोस्तों ये मक्का का चारा बोया था थोड़ा सा यहाँ पर, इससे जो है पशुओं के लिए रूटीन सा बना रहे हैं, पहले गन्ने में बो रखा था फिर यहाँ बो दिया, और फिर अगला जो खेत है वहाँ उधर उसमें है, वो थोड़े दिन बाद तैयार हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये कितना प्यारा गन्ना हो रहा है, इसमें हमने बिल्कुल जड़ से कटवा दिया था, ये देख लो। अब इसमें जो है एक का हमने स्प्रे कोरोजन की कर दी थी, उसके बाद में हमने जो है इसमें खाद डाल दिया रामबाण यूरिया मिक्स करके, और अब हम इसमें भाइयों हल्की सी मतलब घास की स्प्रे सोच रहे थोड़े से दिन में और करना, मगर बारिश सी पड़ जा थोड़ा सा घास और जम जा, जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में जो है घास फूटने लगी, इससे जो है घसियारों को लालच आ जाता है, और फिर वो नेड़े धप चलते हैं जैसे गठिया ले कर सतरी, तो पुग्गा टूट जाता है, बार बार कहने के बावजूद भी मानते नहीं, तो इसलिए हम सोच रहे हल्की सी इसमें खरपतवार की स्प्रे कर दें, उससे जो है बिल्कुल मतलब खेत बढ़िया हो जाएगा। ये देख लो आप भाइयों इसमें भी कोई रेटून मैनेजर वगैरह कुछ नहीं चला, ये भी आपके सामने है जब से ही चल रहा है, और बहुत ही गजब की पेड़ी फूट के आ रही है एक सार बिल्कुल, अगर 2-3 सालों का हिसाब दोस्तों अच्छा रहेगा तो फिर देखेंगे वो जो इसके जो उपकरण है उसके बारे में। ये वाला दोस्तों गर्मी ज़्यादा होगी, अब घर पर चलने की सोच रहे हैं। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक करें शेयर करें, नमस्कार।